मैं शायद इस नाम से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूं, चाहे कहीं भी हो चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहां शिव मंदिर था और है, रहेगा, उसको फव्वारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। इति शुभ। तो नुपुर को जो धमकी मिल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जो धमकी नुपुर को मिल रही है, एक देखो महिला है, हमेशा हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा उसमें इनको पीड़ा ही, उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। तमाम मुस्लिम देश के विरोध में आ गए, भारत की छवि धूमिल हो रही है। किसके विरोध में? इस बयान के विरोध में। किस बयान के विरोध में? नुपुर ने बयान दिया था। सुनिए, ऐसा है, मैंने क्या कहा, विधर्मी जो हैं वो अपनी मानसिकता को हर जगह स्टैंड करना चाहते हैं, हर जगह वो स्थापित करना चाहते हैं, पर सनातन धर्म अपनी धर्म को स्थापित करता है जो मानवीय हित के लिए है। भाई मैं उस बयान की बात कर रही हूँ जो बयान मुस्लिम देते हैं, हमारे विधर्मी देते हैं, हमारे देवी देवताओं के लिए। हम उनका पक्ष लेते हैं, हमारे देवी देवता हमारे, हम उनका अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? इसमें जो भी आ जाए।